भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए नया पैंतरा चलने वाले हैं। लगातार उठ रही इस्तीफे की मांग के बीच ओली ने अपनी ही पार्टी को तोड़ने और विपक्षी पार्टी का साथ लेकर सरकार में बने रहने का प्लान तैयार किया है और उसमें चीन और पाकिस्तान उन्हें खुला सपोर्ट दे रहा है। यह सब आसानी से हो पाए इसके लिए वह कुछ एक्ट्स में बदलाव करने वाले हैं। नेपाल में कई दिनों से केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग उठ रही है। बजट सत्र को स्थगित करने के बाद अब केपी शर्मा ओली एक अध्याय लाकर पार्टी को तोड़ सकते हैं। ओली वहां मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के संपर्क में है जिनसे उन्हें सपोर्ट मिल सके। दरअसल ओली अध्यादेश लाकर पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में बदलाव कर सकते हैं, इससे उन्हें पार्टी को बांटने में आसानी होगी। यह सब चीन और पाकिस्तान के समर्थन से हो रहा है। नक्शे पर विवाद के बीच ओली भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसके बाद ही पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने ओली से संपर्क किया था। दूसरी तरफ नेपाल में मौजूद चीनी राजदूत भी इसकी कोशिश में लगे हैं कि ओली को सत्ता में बनाए रखा जा सके। हाल ही में ओली द्वारा उठाए गए कुछ कदमों के पीछे चीनी राजदूत का रोल अहम बताया जा रहा है।